अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था और लगभग 2:30 बजे हम इस जगह पर पहुँचे थे। मैं सीधे ऑफिस से अपनी नाइट शिफ्ट करने के बाद इस ट्रैक पर आया था, पर ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इस ट्रैक पर आने से पहले बहुत ज़रूरी है आपकी नींद का पूरा होना, वरना ये ट्रैक आपको हरिहर किले के बेस तक पहुँचने से पहले ही बहुत चिड़चिड़ा बना देगी। अब इस जगह से उस सज्जन ने हमें हरिहर किला जो इस पहाड़ी पर बना था वहाँ का रास्ता दिखाया और हमें इसी रास्ते पर सीधा चलने को कहा और आगे से राइट मुड़ जाने को कहा जहाँ ये रास्ता मुड़ता है। हम कुछ दूर तक तो सफल रहे, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार के साइन बोर्ड्स ना होने के कारण हम बहुत जल्द रास्ता भटक चुके थे। लेकिन क्योंकि हरिहर किला ठीक हमारे सामने दिखाई दे रहा था, तो मैंने और रेंजू ने सीधा पहाड़ों पर चढ़ना डिसाइड किया, विच वॉज ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज इन सम पैचेस। अब जैसे तैसे हम हरिहर किले के बेस तक पहुंचे थे और इस समय लगभग समय हुआ था 5:15 5:30 के आसपास। हमने वहाँ रुककर 5-10 मिनट का और ब्रेक लिया। हमने लगभग 5:45 बजे के आसपास किले पर चढ़ना शुरू किया और आगे जाकर यही हमारी सबसे बड़ी भूल, या आप कह लीजिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। और इस समय तक लगभग पूरा किला खाली हो चुका था, वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय एक दो लोगों के। और इस पूरे एक्साइटमेंट में जब मैंने अपना कैमरा निकाला तो देखा कि कैमरा में एसडी कार्ड ही गायब है, और कुछ देर बाद गोप्रो की भी एसडी कार्ड करप्ट हो गई और पूरा मूड ख़राब हो गया। लेकिन थैंकफुली रेंजू ने अपने फ़ोन से थोड़ी मोड़ी रिकॉर्डिंग कर ली थी। हम लगभग 1 घंटे के अंदर किले पर थे और किला पूरी तरह से खाली हो चुका था। एंड बाय द टाइम वी केम, थैंक यू।
बाय द टाइम वी केम डाउन काफी अंधेरा हो चुका था और अब शुरू होता है हमारा असली एडवेंचर। मैं और रेंजू बहुत तेजी से एक फ्लैट प्लेटो पर आ चुके थे और हमें लगा कि हम हरिहर किले के बेस विलेज तक आ चुके हैं, लेकिन तभी हमें बहुत बड़ा सरप्राइज मिला और वो ये था कि हम उन जंगलों और पहाड़ियों में खो चुके थे। हरिहर फोर्ट घूमते घूमते हम घूम चुके हैं, मैं और मेरा ये मेरा मित्र। रात के 9 बज रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है। सबसे आखिरी में उतरे थे हम लोग, बहुत खुशी हुई थी हम लोगों को। रेंजू कुछ टाइम पास करने के लिए नहीं है तो ऐसी जगह पे रुके हैं हम लोग। हर जगह अंधेरा है, अगली बार से आप किले पर जाएं तो आखिरी में ना उतरें, किसी के बहकावे में ना आए। रेंजू की सारी इंस्टिंक्ट्स खत्म हो गई है अभी। रेंजू रेंजू की सारी इंस्टिंक्ट्स खत्म हो गई और हम लोग की सारी चॉकलेट स्टिक्स खत्म हो गई, पानी की बोतल ख़त्म हो गई और हम लोग अभी रात को, आज रात को यहीं रुकने का प्लान है। रंजू ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया तो आई नो ही विल बी द सेवियर टुडे फॉर टुनाइट। वो देख रहे हैं हरिहर किला, वो जो वीडियो हमने बनाई थी अंधेरे में, मुझे तो कोई अनुमान नहीं था कि हम किसी भी तरह से नीचे पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं और मेरे मित्र ने, रंजू ने, बहुत जगह ढूंढने के बाद पुरानी वाली ट्रिक अपनाई कि हमारे पास टॉर्च है तो हम वो टॉर्च फ्लैश करते हैं, हो सकता है बेस विलेज में से कोई ना कोई देखे और शायद हमें मिल जाए या हम लोगों को रेस्क्यू करने आ जाए। और एक्चुअली हुआ यूँ, नीचे से एक लड़का, हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे, ये आपको जो जंगल दिख रहा है दैट पोर्शन वी वर स्टक देयर, और हम लोगों को लगा कि सारी रात बितानी पड़ेगी और हम लोगों को सुबह ही जब लोगों का वहाँ पर चढ़ना शुरू होगा शायद हम तभी पॉसिबल हो पाएगा हमारा नीचे आना। लेकिन नीचे से एक लड़का आया जिसने हमारी आवाज़ सुनी यहाँ के बेस विलेज में हर्षेवाड़ी में, और यहाँ से वो ऊपर तक आया, इट इज़ अबाउट 2.5 किलोमीटर यहाँ से हर्षेवाड़ी से, और वो हमें बेस विलेज तक छोड़ गया। और बाय द टाइम वी रीच एट द बेस विलेज इट वाज़ ऑलरेडी 9:30 और वो सही समय हमारा नहीं था कि हम गाड़ी लेकर वहाँ से निकले, क्योंकि जहाँ हम आए वहाँ से हमने जहाँ गाड़ी खड़ी की है दैट डिस्टेंस इज़ ऑलमोस्ट 5 to 8 किलोमीटर्स और उतनी रात हमें कोई साधन नहीं था पहुँचने का। तो हमने डिसाइड किया कि जहाँ हम आए हैं और जहाँ हम हैं वहाँ के, वहाँ हमने पानी मांगा और उस सज्जन इंसान ने हमें रुकने का भी सौभाग्य दिया, तो महादेव की कृपा से हमें रात रुकने के लिए एक आसरा भी मिल गया। सो वी थॉट कि अगर अभी इतने हम एग्जॉस्ट हो गए थे कि हमें वो रिस्क नहीं लेना था, वी थॉट ऑफ स्टेइंग बैक, वी स्टेड बैक, वी हैड अ गुड नैप। तो अंत भला तो सब भला, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो शायद हम अदरवाइज एक्सपीरियंस नहीं करें। सो दिस वॉज रियली वंडरफुल। और हाँ, मैंने जो पहले कहा कि हरिहर फोर्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, दैट वॉज एब्सोल्यूटली राइट, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। लोगों ने पता नहीं क्यों इतना हाइप क्रिएट कर रखा है। हरिहर फोर्ट डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ लिटिल टायरिंग, आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा आत्मविश्वास, खुद पे अगर भरोसा है तो आप यहाँ पे चढ़ सकते हैं, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। बेस विलेज से किले के बेस तक जाने तक, या फिर अगर आप हर्षेवाड़ी उतरेंगे या फिर एक और बेस विलेज है, दोनों डायरेक्शन से किले के बेस तक जाने तक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टेरेन है बिकॉज़ यू क्लाइम द माउंटेन। अगर आप एक बार किले के बेस तक पहुँच गए, वहाँ से किला ऊपर नीचे आप
अगर क्योंकि यहाँ पर देखने लायक कुछ भी नहीं है, भगवान शिव की एक शिवलिंग है और बजरंगबली की एक पिंडी है, यहाँ पर देखने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ ट्रैकर ट्रैकर हैं तो आप चढ़कर 1 घंटे में उतर भी सकते हैं, 1-1.5 घंटे में आपको उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इतना कुछ नहीं है, इट जस्ट पीपल हैव जस्ट क्रिएटेड हाइप। मोस्ट डिफ़िकल्ट शायद इसीलिए है, लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं बरतें तो सीधा थिंग्स कैन गो रॉन्ग। सो शायद इसलिए लोग बोलते हैं इट्स द डिफ़िकल्ट और वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक, बट वी एंजॉयड। कल जो हमारे साथ हुआ उसने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऐड किया हम लोगों के द होल ट्रैवलिंग जर्नी। रेंजू इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड इन ट्रैवलिंग, ही इज़ डन अ लॉट ऑफ ट्रैकिंग। उनका थोड़ा एक्सपीरियंस हम लोगों को कल रात को जो हम भटक गए थे थोड़ा मानिए थोड़ा काम आया हम लोगों को। सो फाइनली वी गेटिंग रेडी, हम बस जिनके घर रुके हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं कब वो आए ताकि हम उनसे अनुमति लें और जाएं, उन्हें धन्यवाद कहें, बिकॉज सही समय पर सही लोगों का मिलना ये तो मैं कहता हूँ ईश्वर की कृपा है और आपकी भक्ति है जो काम आती है। मेरे साथ कई बार हुआ है इसलिए मैं मेरे महादेव से दूर हो ही नहीं पाता। और सबसे मज़े की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने या जिस बच्चे ने हमें रेस्क्यू किया था कल रात को, उस बच्चे का नाम भी सोमनाथ था। तो मैं और रंजू बहुत सरप्राइज हो गए थे, मैं बस उन्हें कह ही रहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप अंटिल वी फाइंड अ वे फॉर दिस। और जहाँ तक रही यहाँ पर रात बिताने की बात तो वो तो लास्ट ऑप्शन है ही, लेट अस फर्स्ट एग्जॉस्ट ऑल आर रिसोर्सेज, लेट अस बी, हम जब तक पूरी तरह से थक नहीं जाते हम 100% कोशिश करेंगे। जब वो बच्चा हमें नीचे तक लेकर आया और जब उसने हमें अपना नाम बताया, आई एंड रंजू वाज टोटली बैफल्ड। और मुझे मेरे एक्सीडेंट के दिन याद आ गए, मुझे मेरे वो चीज़ें याद आई जहाँ पर जब जब मैं मुसीबत में फंसा हूँ महादेव ने मेरी सहायता की है। सो भक्ति बहुत ज़रूरी है, भक्ति काम भी आती है। तो ये वो जगह थी जहाँ हम रात भर रुके थे एंड दिस इज द स्पेस वी गॉट टू स्लीप। व्हाट से रंजू, हाउ वाज द नाइट? वंडरफुल वंडरफुल। हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन वन वर्ड? इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल। आई सेकंड ऑन दैट, ट्रूली एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। लेट्स पैक आवर बैग्स और निकलते हैं क्योंकि एक्साइटिंग डिफरेंट आउटिंग। वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस, आई थॉट दिस वुड जस्ट बी अ ट्रैक ट्रैक। उसके साथ साथ बहुत एडवेंचर भी हुआ, मोर देन दैट, एब्सोल्युटली। सो दिस इज द प्लेस, थैंक यू वेरी मच। वैसे तो कुछ खास ऐतिहासिक तथ्य तो नहीं मिलता है इस किले के बारे में। इस महत्वपूर्ण किले का निर्माण महाराष्ट्र को गुजरात से जोड़ने वाले गोंडा घाट के माध्यम से व्यापार मार्ग को देखने के लिए किया गया था। और हरिहर किला पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री के त्र्यंबक पर्वत में स्थित है, जिसकी स्थापना यादव राजवंश ने 9वीं और लगभग 14वीं शताब्दी के बीच की थी। और 1636 में किसी संधि के चलते हरिहर किले के साथ त्र्यंबक और कुछ अन्य पुणे के किलों को शाहजी भोसले ने मुगल जनरल खान जमान को सौंप दिया, जिसके बाद हरिहर किला 1818 में त्र्यंबक के पतन के बाद अंग्रेजों को सौंप दिया गया और जिसकी कमान कैप्टन ब्रिग्स के कब्जे में आ गई। किले का अधिकांश हिस्सा समय की कसौटी के साथ खड़ा नहीं उतर सका और इसीलिए आज ये किला अपने इतिहास को नहीं सिर्फ अपनी खूबसूरती को बयान कर सकता है।